जबूर साम 139 वर्स 16, जबूर 139 उसकी 16वीं आयत, साम 139 वर्स 16, जबूर 139 उसकी 16वीं आयत, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो आयाम मेरे लिए मुकरर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे जब तक जब के एक भी वजूद में ना आया था। ये पिछले फ्राइडे मैंने 5 मिनट के लिए आप लोगों के साथ ये कलाम को शेयर किया था और इसमें लिखा है कि मेरी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ है खुदा ने सब कुछ अपनी किताब में लिखा हुआ है। हर एक चीज़ खुदा ने मेरे बारे में, आपके बारे में, हर एक के बारे में खुदा ने हर एक चीज़ डिटेल में लिखी हुई है। और जिस तरह किताब होती है बिल्कुल उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था जिस तरह किताब होती है उसी तरह हमारी ज़िंदगी होती है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इस दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कौन सी किताब ऐसी है जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है, जो सबसे ज़्यादा बिकी जा रही है, जिस पे बहुत सारे लोग आज भी रिसर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सदियों से सिर्फ एक ही किताब है और उसको कहते हैं बाइबल मुकद्दस। सदियों से ये वो किताब है जिसको लिखने वाले शायद 40 से ज्यादा लोग हैं, लेकिन पीछे पावर एक ही है, पीछे सोर्स एक ही है जिसने ये किताब को लिखवाया है। और अगर वो लिखाने वाला जिसकी किताब सदियों से नंबर 1 की पोजीशन पे है, उसी ने अगर आपकी जिंदगी को भी लिखा है तो मान लें कि खुदा ने आपकी जिंदगी को बेहतरीन लिखा है। हालेलुया। जिस तरह किताब होती है उसी तरह हर जिस तरह किताब होती है और उसमें चैप्टर्स होते हैं, इसी तरह आपकी ज़िंदगी के भी खुदा ने जो किताब जो आपकी ज़िंदगी के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है उसके भी चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में जाते हैं, जैसे आप किताब पढ़ते हैं, जिनको किताबें पढ़ने का शौक है वो जानते हैं कि किताब इतनी इंटरेस्टिंग होती है, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको मज़ा आने लगता है और आपको एक्साइटमेंट होती है कि आने वाले चैप्टर में क्या होने वाला है। जिस तरह आप लोग ड्रामा सीरियल वगैरह देखते हैं और ऐसी सीरीज देखते हैं, उसमें होता है ना कि एक एक ड्रामा सीरियल ख़त्म होती है तो आपको इंतज़ार होता है कि अगले उसमें क्या होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह खुदा ने चैप्टर लिखे हुए हैं, इसी तरह हमारा अगला एपिसोड खुदा ने लिखा हुआ है। हर एक चीज़ खुदा ने बाइबल में लिखा हुआ है। जब कुछ भी वजूद में नहीं आया था तब का ये लिखा हुआ है। इस लॉन्ग अगो, बहुत पहले से खुदा ने ये सब चीज़ें लिख के रखी हुई हैं। अगर खुदा ने ये सारी चीज़ें आपके लिए लिख के रखी हैं, मैं आपको चैलेंज से बोल रहा हूँ, आपका एंड बहुत अच्छा होगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि मेरे लिए तुम्हारे पास बहुत अच्छे खूबसूरत प्लान हैं, ऐसे प्लान कि तुम्हें मैं प्रॉस्पर करूँ, तुम्हें मैं एक इंग्लिश में लिखा हुआ है टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड। टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड का मतलब है वो तुम्हें अंजाम दूं जो तुम चाहते हो। ये इस आयत पे कोई तवज्जो नहीं देता है, ये खुदा का वादा है। कैन यू पुट 29:11? मुझे नहीं पता यहां पे कौन सा वर्जन होगा। जर्माया 29:11, सॉरी, For I know the plan I have for you, declare the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and future. दूसरा जो वर्जन है उसमें लिखा है plan to give you an expected end. क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, सलामती के ख्यालात हैं, बुराई के इसलिए नहीं ताकि तुमको नेक अंजाम दूँ। क्या क्या लिखा हुआ है? एंड लिखा हुआ है यहाँ पे, अंजाम दूँ, ताकि तुमको नेक अंजाम दूं। कितने लोग गुर्बत में मरना चाहते हैं बताइए? कोई भी नहीं है ऐसा। आप मरना चाहते हो गुर्बत में? गुर्बत में मरना चाहते हो? क्या आदमी हो यार। कितने लोग बीमारी से मरना चाहते हैं? अभी कोई तैयार है? कितने लोग एक्सीडेंट में मरना चाहते हैं? कोई है? नहीं। बाइबल में लिखा है जैसा तुम चाहते हो
जो तुम एंड अपना डिजायर करते हो, जो तुम अपना जिंदगी का आखिरी टाइम सोचते हो, मैं वैसा तुम्हें देना चाहता हूं। इसलिए बेहतर है अच्छा सोचें, गुर्बत में मरने का नहीं सोचें, एक्सीडेंट में मरने का नहीं सोचें, बीमारी से मरने का नहीं सोचें, बल्कि आप सोचें कि मेरा जो एंड होगा उस टाइम पे मेरे घराने को एक बड़ी दौलत खुदा मेरे जरिए देगा, मेरे गांव को, मेरे शहर को मेरे जरिए खुदा बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस, बहुत सारे हॉस्पिटल मेरे जरिए खुदा देगा, ऐसा एंड सोचें। और खुदा कह रहा है ऐसा एंड मैं तुम्हें दूंगा। तो खुदा ने यहां पे कंफर्म किया है कि जो कुछ उसने हमारी जिंदगी की किताब में लिखा हुआ है वो बेस्ट है और उसका एंड बड़ा खूबसूरत है। अब ये आपके और मेरे ऊपर है, इस पर हम कितना बिलीव करते हैं, कितना नहीं बिलीव करते हैं। आज हो सकता है आप अपनी जिंदगी के ऐसे चैप्टर में हो जो शायद दुखों का, परेशानियों का, शायद गम का कोई चैप्टर चल रहा हो, लेकिन आपने यहां रुकना नहीं है। आपने इस बात पे ईमान लेके नहीं बैठ जाना है कि यही मेरी जिंदगी का एंड है। नहीं, इसके बाद एक और चैप्टर है, उसके बाद एक और चैप्टर है। तो खुदा ने हर एक चैप्टर आपकी जिंदगी में लिखा हुआ है और हर एक चैप्टर खूबसूरत है, बेहतरीन है। जिस चैप्टर में आज इस वक्त हो सकता है बेरोजगारी के आप चैप्टर में चल रहे हो, बे औलादी के चैप्टर में चल रहे हो सकता है गैर शादीशुदा फेज में से आप गुजर रहे हो और सोच रहे हो नहीं मेरा नहीं हो सकता, मैं आपको बता रहा हूं अगला चैप्टर का वेट करें। अगला चैप्टर जब आपके सामने आएगा आपको सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि हर एक चैप्टर जो है वो किसी ना किसी शख्स के साथ कनेक्टेड है। खुदा ने कोई ना कोई ऐसा शख्स रखा हुआ है, जैसे ही वो शख्स आपसे मिलेगा आपकी जिंदगी का चैप्टर शुरू हो जाएगा। सुन रहे हैं? जैसे ही वो शख्स आपसे मिलेगा आपकी जिंदगी का चैप्टर शुरू हो जाएगा। याद करें आप दुबई में किस तरह आए थे, कोई एक शख्स था जिससे आप मिले थे, उससे जैसे ही मिले आपको लगा दुबई के दरवाजे आपके लिए खुल गए। आप इस जगह पे जॉब कैसे मिली, कोई एक शख्स था खुदा ने रखा हुआ था जिससे जैसे ही आप मिले, चाहे वो इंटरव्यू था चाहे कोई था, जैसे ही आप मिले वैसे ही आपके लिए जॉब का दरवाजा खुल गया। राइट और रॉन्ग? आपकी शादी को याद करें, शादी कैसे हुई, कोई एक शख्स था जिससे आप मिले जो आज आपका शौहर है या आज आपकी बीवी है, जैसे ही आप मिले और एक नया चैप्टर आपकी जिंदगी का आगाज हो गया। हालेलुया। कितने लोग मां बाप हैं, मां बाप बनने के लिए भी कोई ना कोई शख्स आपकी जिंदगी में आया था, वो बच्चे की सूरत में आया, कोई भी सूरत में, जैसे ही वो बच्चा आपकी जिंदगी में आया और खुदा ने एक नया चैप्टर आपके लिए खोला और आप अपने आप को बाप बोलने लगे, आप अपने आप को माँ कह के पुकारने लगे। तो ये सारी चीजें किस तरह मुमकिन हुई है, क्योंकि खुदा ने आपको किसी ना किसी के साथ कनेक्ट कराया। तो जहन में रखिएगा, खुदा ने अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी काम करना है खुदा किसी आदमी को इस्तेमाल करेगा। मुझे इंतहाई दुख और इंतहाई अफसोस होता है, बहुत सारे चर्च के हमारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे खानदान शायद ऐसे हैं जिनको किसी से मिलना पसंद नहीं है, जैसे ही चर्च खत्म होता है सीधे वो निकलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं आज हो सकता है आपकी जिंदगी का अच्छा चैप्टर चल रहा हो, ये भी चांस है कि आपकी जिंदगी का अच्छा चैप्टर चल रहा हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, मैं बस अपना बैग पकड़ा, बच्चे पकड़े और निकल गए। नहीं, आप मिले, क्योंकि मिलने के से ही आपकी जिंदगी में नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। हालेलुया। तो इस चीज को भूलिएगा नहीं। मैंने आपको बताया था दाऊद बादशाह भेड़ बकरियां जंगल में चराता था जब तक उसकी मुलाकात गुलायत से नहीं हुई। गुलायत कौन है, जिसे हम जाति जूलियत बोलते हैं। जैसे ही जाति जूलियत के साथ दाऊद की मुलाकात हुई उसकी जिंदगी में एक नया चैप्टर खुला, एक नया सीजन चालू हुआ और बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है उसके बाद दाऊद कभी दोबारा जंगल में नहीं गया, बल्कि उसके बाद दाऊद हमेशा महल में रहा करता था। तो कोई ना कोई खुदा ने रखा हुआ है जिसके साथ जैसे ही आप मिलेंगे एक नया सीजन, एक नया चैप्टर आपकी जिंदगी का खुल जाएगा और खुदा उसके लिए किसी ना किसी शख्स को रखा हुआ है। एलीशा नबी को मैंने बताया था कि एलीशा नबी को कोई नहीं जानता था जब तक उसकी मुलाकात एलिया से नहीं हुई। जैसे एलिया नबी उसके साथ मिला और एलीशा की जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया और फिर आप देख सकते हैं कि उसने कितने बड़े बड़े काम किए। यीशु मसीह के बारे में कोई नहीं जानता कि 30 साल तक खुदावंद यीशु मसीह
क्यों रुके हुए थे, क्यों मिनिस्ट्री नहीं कर रहे थे, क्यों अंजील की मनादी नहीं कर रहे थे, क्यों 30 साल के बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अंजील की मनादी करी, जबकि इसी मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। इसी मकसद के लिए खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे कि आसमान की बादशाही की मनादी करें, लेकिन 30 साल तक नहीं कर सके क्योंकि एक शख्स नहीं मिला था और वो उसे दरिया यर्दन पे मिला, और जैसे ही यहूना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु से मिला, और बाइबल बताती है कि एकदम से मिनिस्ट्री का स्टार्ट हो गया और खुदावंद यीशु मसीह अंजील की मनादी करने लगे। तो हर एक चैप्टर के लिए आपकी जिंदगी में खुदा ने एक शख्स पहले से ठहराया हुआ है। आज मैं आपको एक बाइबल में एक बड़े मशहूर वाक्य की तरफ लेके जा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को शायद वो वाक्य नहीं पता, बहुत सारे लोग शायद पढ़ा ही कभी नहीं है, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा तो शायद पूरी तरह से जानते नहीं है। आज थोड़ा सा लंबे हवाले हैं, वो मैं चाहूँगा आप पढ़ें, क्योंकि इसमें से मैं बताऊँगा किस तरह खुदा हमारे आगे लोगों को तैयार करके रखता है, लोगों को खुदा ऑलरेडी ऑर्डेन करके रखता है। मेरे साथ निकालें एक बड़ा मशहूर वाक्य है, पहला सैमुअल, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 9 वर्स 1-5, फिर उसके बाद 21 वर्स भी पढ़िएगा। फर्स्ट सैमुअल चैप्टर 9 वर्स 1-5, पहला सैमुअल नवा बाब 1-5 आयत, फिर 21वीं आयत। और बेनियामिन के कबीले का एक शख्स था जिसका नाम कैस, अब ध्यान से सुनते रहें, देखते रहें क्या लिखा हुआ है। बेनियामिन के कबीले का एक शख्स था जिसका नाम कैस बिन अबीएल बिन सरूर बिन बकूरत बिन अफीक। ठीक है, कितनी नस्लें खुदा ने बता दी हैं एक ही लाइन में? 5 नस्लें बताई हैं कि ये इसका बेटा था, बिन का मतलब है कि ये इसका बेटा है। सही कह रहा हूं पास्टर नदीम? सही है। तो इसका मतलब यह है कि खुदा ने 5 नस्लों का जिक्र एक ही लाइन में कर दिया, और बेनियामिन के कबीले का एक शख्स था जिसका नाम कैस बिन अबीएल, यानी उसके बाप का नाम अबीएल था, उसके बाप का नाम सरूर था, उसके बाप का नाम बकूरत था, और उसके बाप का नाम अफीक था। वो एक बेनियामिनी का बेटा था और जबरदस्त सूरमा था। नेक्स्ट, उसका एक जवान और खूबसूरत बेटा था जिसका नाम साउल था, और बनी इसराइल के दरमियान उससे खूबसूरत कोई शख्स ना था, वो ऐसा कदावर था कि लोग उसके कंधे तक आते थे। नेक्स्ट, और साउल के बाप कैस के गधे खो गए, सो कैस ने अपने बेटे साउल से कहा कि नौकरों में से एक को अपने साथ ले और उठकर गधों को ढूंढ ला। क्या खो गया था? गधे खो गए थे। नेक्स्ट, सो वो इफ्राइम, अब ये आप मुल्कों के नाम देख लें, जगहों के नाम देख लें, कहां कहां पे गधे ढूंढने गया है। सो वो इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क सलीसा की सरजमीन में गए और वहां भी ना थे। फिर वो बेनियामिनों के मुल्क में आए पर उनको वहां भी नहीं पाया। नेक्स्ट, जब वो सूफ के मुल्क में पहुंचे तो साउल अपने नौकर से जो उसके साथ था कहने लगा, हम लौट जाएं ताकि ना हो कि मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़ के हमारी फिक्र करने लगे। अब 21, साउल ने, अब ये सिर्फ सुन लें, सिर्फ इसका बैकग्राउंड आप सुन लें, साउल कौन से घराने से था। साउल ने जवाब दिया, मैं बेनियामिनी यानी इसराइल के सबसे छोटे कबीले का क्या नहीं, और क्या मेरा घराना बेनियामिन के कबीले का सब घरानों में सबसे छोटा नहीं, सो तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है। ये सारी डिटेल मैंने आपको इसलिए बताई है कि इसमें खुदा ने बहुत सारी बातें आपके लिए रखी हुई हैं। पहली चीज, खुदा, आपने देखा एक साउल है, साउल के बाप और उसके 5 पुश्तों का खुदा ने नाम लिखा है। साउल कौन से घराने से ताल्लुक रखता है? बाइबल बताती है सबसे छोटे कबीले का सबसे छोटा बंदा था ये। इसका फैमिली बैकग्राउंड कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसका फैमिली जो खानदान था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसके बावजूद जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा कि खुदा ने ये है कौन, साउल मैं बताता हूं, ये इसराइल का पहला बादशाह है जिसको मसा किया गया। इसराइल का पहला बादशाह, खुदा इसराइल का बादशाह खुद बनना चाहता था, लेकिन लोगों ने बोला नहीं हमें भी बादशाह चाहिए, जैसे दूसरे मुल्कों के बादशाह हमें भी बादशाह चाहिए, तो खुदा ने इस आदमी को चुना, इसका नाम था साउल।
ध्यान से सुनिएगा, साउल को चुना, लेकिन साउल को चुनने के सबब से, चुनने के लिए खुदा को उसका पूरा शजरा नसब पता था, खुदा को उसके सारे फोर फादर बाप दादा आबो अजदाद का नाम पता था। समझ आ रही है? आप में से बहुत सारे लोग शायद ऐसे ही हैं जिनके पांच नस्लों में से खुदा ने किसी को नहीं चुना। आपके शायद परदादा को खुदा ने नहीं चुना, आपके दादा को नहीं चुना, आपके फादर को नहीं चुना, आपके बहन भाइयों में से किसी को नहीं चुना, लेकिन आप लोग मुबारक लोग हैं कि खुदा ने आपको चुना है। वो खुदा सबको जानता है, आपकी भी सारी नस्लों को जानता है। इसलिए कभी ये जहन में नहीं रखें कि यार मैं पाकिस्तान या इंडिया का छोटे से गांव से ताल्लुक रखता हूं, मेरे खानदान को कोई नहीं जानता, मेरे गांव को कोई नहीं जानता, मेरा घराना शायद सबसे ज्यादा कम पढ़ा लिखा है, सबसे ज्यादा गरीब घराना है। ये सारी चीजें सोचते हुए कभी ये नहीं सोचें कि खुदा आपको छू नहीं सकता, आपको आपको खुदा चुन नहीं सकता। खुदा इनको छोड़ा, खुदा ने इनको छोड़ा, खुदा ने इनको छोड़ा, और खुदा ने सबको छोड़ के एक बंदे को पकड़ा। तो खुदा आपके सारे नस्लों में से हो सकता है 10 नस्लों में किसी को नहीं चुना, लेकिन खुदा ने आपको चुना है। और अगर आपको चुना है तो खुदा का प्लान है आपके लिए, क्योंकि आप बिल्कुल इस साउल की तरह हैं, क्योंकि इसके बाप ने बोला कि जा मेरे गधे खो गए हैं, तो गधे ढूंढ के ले गया। गधों के बारे में हम सब जानते हैं, गधे जो हैं ऐसे जानवर हैं जो सबसे बुद्धू जानवर कहलाए जाते हैं। कहलाए जाते हैं, नहीं कहलाए जाते हैं, बुद्धू स्टूपिड जानवर, डम्प एनिमल कहलाया जाता है। उसको शेर के सामने डाल दें वो डरेगा नहीं, वो इतना गधा होता है। तो वो ऐसी चीज ढूंढने निकला है ये शख्स, जो के फजूल चीज है, जो के स्टूपिड चीज है, जिसकी कोई अहमियत या जिसकी कोई हैसियत नहीं है। साउल ऐसी चीजों के पीछे भाग रहा था। आप में से शायद कुछ लोग ऐसे ही हों जो ऐसी ही चीजों के पीछे भाग रहे हों, जो बेवकूफ और फूलिश चीजें हैं उसके पीछे हम लोग अपनी जिंदगी में कई अरसे तक इन फजूल चीजों के पीछे भागते रहे, फजूल चीजों के पीछे हम लगे रहे। इस दुबई में भी आप लोग बहुत सारे आए हैं, तो शायद बहुत सारी फजूल चीजों के पीछे, बेवकूफ फूलिश चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और आप समझ रहे हैं शायद इसमें मुझे कोई खुशी मिल जाएगी, इस तरह की शराब अगर मैं पी लूं तो शायद मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, फरा लड़की के पास मैं चले जाऊं तो शायद मजा आ जाएगा, शायद मैं किसी नाइट क्लब में चले जाऊं तो मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा, शायद मैं कोई दूसरी ड्रग लूं तो शायद मुझे अच्छा लगेगा। फजूल चीजों के पीछे आपने, हमने अपनी सारी जिंदगी आधी से ज्यादा बर्बाद करी हुई है। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए खुली छूट है। बिल्कुल हम इसी शख्स की तरह, जिस तरह ये फजूल गधों के पीछे ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये गधे ढूंढ रहा है और खुदा एक बादशाह ढूंढ रहा है। ये गधे ढूंढ रहा है और खुदा एक बादशाह ढूंढ रहा है। आज अगर जितने माँ बाप यहां पर बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी माँ बाप बैठे हैं, आज अपने दोनों हाथ खड़े करके बोलें, मेरे घर में एक बादशाह बैठा हुआ है। इसके पूरे खानदान को नहीं पता था कि इसराइल का पहला बादशाह ये शख्स बनेगा जो गधे ढूंढ रहा है। इसके बाप को नहीं पता था, दादा को नहीं पता था, परदादा को नहीं पता था, किसी के वहम और गुमान में भी नहीं था कि ये शख्स जो गधे ढूंढ रहा है ये इसराइल का पहला बादशाह होगा। आपको भी नहीं पता कि यार मैं फला खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मैं कोई बड़ा खानदान वाला नहीं हूं, मेरे खानदान में ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम लोग इतने अमीर कबीर नहीं हैं, हम लोगों की जिंदगी में से शायद कोई बादशाह पैदा हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा हर एक को बाईपास कर देगा, खुदा इसको छोड़ देगा, उसको छोड़ देगा, उसको छोड़ देगा, लेकिन अगर खुदा ने आपको चुना है तो आपको उठा खड़ा करेगा, और सबके सामने खुदा आपको उठा खड़ा करेगा। और खुदा ने इस चीज को बाकायदा डिजाइन करके रखा हुआ है। खुदा ने बाइबल में लिखा है कि जो स्टेप्स हैं सादिकों के, जो कदम है ना, खुदा ने ऑर्डेन करके रखे हुए हैं। जो खुदा से डरने वाले लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनके कदम सही वक्त पे सही जगह पे पड़ते हैं, क्योंकि खुदा उनके कदमों को ऑर्डेन करता है। कितने लोग आप
बहुत सारे अभी बीच में एक जॉब्स आई थी तो मैंने कुछ बोला, कुछ लोगों ने तो उसी दिन मुझे सीवी भेज दिया और कुछ लोग आज के दिन भी बोल रहे हैं पास्टर साहब सीवी भेजे नहीं भेजे। देखें ये बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि हमारा फेलियर है, बहुत बड़ी नाकामी है हम सबकी कि हम ठीक वक्त पे ठीक जगह ना पहुंचे। कोई फायदा नहीं, जिस टाइम पे जरूरत है उस टाइम पे आप मौजूद नहीं है, सारी बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं? जॉब किसी कंपनी को आज चाहिए, आप कल पहुंच रहे हैं, वो बोलेंगे भाई कल हमारे ऑफिस में 15 लोग आए हुए थे, उसमें से हमने सबको चुन लिया, आप लेट हो गए। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि सही टाइम पे आपके कदम सही जगह पे पहुंचे, और ये खुदा के कलाम में प्रॉमिस है कि वो मेरे और आपके कदमों को ऑर्डेन करता है। उस हमारे जितने भी कदम है ना, आप अपनी जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे, बोले आमीन। हर जगह हर मौके पे जहां खुदा आपको लेके जाना चाहता है आप राइट टाइम पे वहां पे पहुंचेंगे, और वो शख्स आप मिस नहीं करेंगे जो खुदा ने आपके लिए रखा हुआ है। दिस इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ये खुदा की ब्लेसिंग है आप सब पे। कोई फायदा नहीं पढ़े लिखे होने का, कोई फायदा नहीं बहुत ज्यादा तजर्बा रखने का, बहुत अगर आप ठीक टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, आप ठीक जगह पे ठीक वक्त पे नहीं पहुंच रहे, अपॉर्चुनिटी गई। खुदा बोल रहा है, और आप देखिएगा इस स्टोरी में जब ये लोग, आपने पढ़ा ना पांचवी आयत में लिखा था, उसने बोला था कि अब ऐसा ना हो मेरा बाप गधों की फिक्र छोड़ के मेरी फिक्र करने लग जाए, चलो हम चलते हैं वापसी। कितने शहर कितने गांव कितने मुल्क उन लोगों ने घूमे लेकिन उन्हें गधे नहीं मिले, और एक टाइम उनकी जिंदगी में आया उन्होंने बोला अब वापसी जाते हैं। एक टाइम हमारी जिंदगी में आता है हम गिव अप करते हैं, गिव अप का मतलब है हम हिम्मत हार देते हैं, हम थक जाते हैं, हम कहते हैं बस यार बस हो गई है, बहुत नहीं हो, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इतने मुल्क घूम लिए, इतने नगर घूम लिए, इतने शहर देख लिए, इतना सब कुछ कर लिया, जो चीज मैं पाना चाह रहा था वो मुझे अभी तक नहीं मिली, चलो मैं वापस जाता हूं। समझ आ रही है? हम लोग अपनी जिंदगी में एक टाइम एक फेज ऐसा आता है जब हम बोलते हैं बस अब मेरे में हिम्मत नहीं है। कितने लोग इस दुबई में रह के सिर्फ एक साल के दरमियान इस 2021 में कितने लोगों ने प्लान किया यार मैं वापस जाता हूं, नहीं हो सकता, बताइए। कोई भी नहीं है? आसिफ भाई ने हाथ उठाया, उसने प्रीति ने हाथ उठाया, बहुत सारे हैं। देखें हम लोग एक टाइम आता है हम लोग हालात से लड़ लड़के थक जाते हैं, हम कहते हैं कि शायद ये जगह जो है ना वो ठीक नहीं है, मुझे किसी और जगह जाना चाहिए और मुझे कोई और किस्मत आजमानी चाहिए। हमारे पास बहुत सारे भाई थे जो यहाँ पे थे, उन्होंने बोला पास्टर जी हम यहाँ से जा रहे हैं, अब हम यूरोप चले आएंगे, और अभी तकरीबन एक साल खत्म होने को आया अभी तक इंडिया में पाकिस्तान में बैठे हैं, यूरोप तो दूर की बात है, कहीं भी नहीं पहुंचे। सही टाइम पे सही जगह पे सही वक्त पे खुदा आपको पहुंचाएगा। कोई स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है, बाइबल बोलती है वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। तो जब आपकी जिंदगी में ऐसा फेज आए कि आप गिव अप कर रहे हो, जब आप टूट रहे हो, जब आपको लगे कि सारी आस उम्मीद खत्म हो गई, सारी होप खत्म हो गई, तब मैं बता रहा हूं खुदा के लोगों को ढूंढना शुरू करें और आप देखिएगा कि खुदा किस तरह से आपकी जिंदगी में खुदा की तरफ देखना। प्रॉब्लम यह है कि हमारे आज भी कितने लोगों से मेरी बात हो रही थी, पास्टर जी आपको नहीं पता मेरी जिंदगी में कितनी प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता कितनी समस्या कितनी सारी मेरी जिंदगी में परेशानियां कितनी जगहों पे मैं लड़ रही हूं। अरे भाई तुम लड़ते ही रहोगे कभी भी जीत नहीं पाओगे, एक दफा खुदा के पास आओ और उसको लड़ने का मौका दो, उसने वादा किया है कि वो आपकी लड़ाइयां लड़ेगा, वो आपकी सारी जंगें लड़ेगा, आप मौका ही नहीं देते उसे। तो बाइबल बताती है कि जब उन्होंने लौट जाने का सोचा उसी टाइम पे उसके नौकर जो उसके साथ था उसने बोला चल किसी यहाँ पे नबी है किसी को चेक करते हैं, अगर कोई नबी है जो हमें बता सके कि हमारे गधे किधर हैं। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थीं जो कुछ काम से आई थी, उन्होंने उससे पूछा कि जी यहाँ पे कोई नबी वगैरह है, उन्होंने बोला एक नबी है शहर से बाहर गया है लेकिन आज ही आया है। कब? शहर से बाहर गया है आज ही आया है। अब आप सिर्फ देखें वो जो होता है ना कठपुतली का गेम, खुदा ने साउल को अपने मुल्क से निकाला, चार मुल्क उसको घुमाए,
और चार मुल्क घुमा के वो इस मुल्क में लेके आया, इस मुल्क में लेके आया, और इस मुल्क में जिसमें नबी रहता था वो कहीं बाहर गया हुआ था, उसको भी खुदा ने बोला नहीं आज ही तूने यहां पे पहुंचना है। अब आगे देखें हो क्या रहा है, मेरे साथ निकालिए। बारह से बीस आयत तक उन्होंने उनको जवाब दिया, वहां है देखो वो तुम्हारे सामने ही है। ये लड़कियों से पूछ रहे हैं कि वो नबी कहाँ है। इससे पहले वाला जो पोर्शन है उसमें आप पढ़ेंगे तो पूरा, असल में बाप पढ़ने का टाइम नहीं है इसलिए मैं बीच बीच में से पढ़ा रहा हूं। उन्होंने उनको जवाब दिया, यानी लड़कियों ने उनको जवाब दिया, देखो वो तुम्हारे सामने ही है, सो जल्दी करो क्योंकि आज ही शहर में आया है, इसलिए कि आज के दिन ऊंचे मुकाम पर लोगों की तरफ से कुर्बानी होती है। नेक्स्ट, जो ही तुम शहर में दाखिल होगे, क्या लिखा हुआ है, जो ही तुम शहर में दाखिल होगे वो तुमको पेशतर उससे कि वो ऊंचे मुकाम में खाना खाने जाए मिलेगा। एडवांस में बताया हुआ है, जैसे ही तुम शहर में दाखिल होगे, जैसे यीशु ने बोला था तुम्हें दो गधे नजर आएंगे, एक गधी और एक गधी का बच्चा नजर आएगा, उसको खोल के मेरे पास ले आना, याद है। बिल्कुल सेम यही चीज है लड़कियां बोल रही हैं, तुम्हारे उधर ऊंचे मुकाम पे जाने से पहले वो तुमको मिलेगा, इसलिए कि वो कुर्बानी को बरकत देता है, इसके बाद मेहमान खाते हैं, सो अब तुम चढ़ जाओ क्योंकि इस वक्त वो तुमको मिल जाएगा। नेक्स्ट, सो वो शहर को चले, शहर में दाखिल होते ही देखा कि सैमुएल उनके सामने आ रहा है, सैमुएल नबी है, इसने साउल को मसा किया है ताकि वो ऊंचे मुकाम को जाए। नेक्स्ट, और खुदावंद ने साउल के आने से एक दिन पेशतर सैमुएल पर जाहिर कर दिया था कि कल इस वक्त एक शख्स, क्या लिखा हुआ है, कल इस वक्त एक शख्स को बेनियामिन के मुल्क से तेरे पास भेजूंगा, तू उसे मसा करना ताकि वो मेरी कौम इसराइल का पेशवा हो और मेरे लोगों को फलस्तीनियों के हाथ से बचाएगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों पर नजर की है इसलिए कि उनकी फरियाद मेरे पास पहुंची है। नेक्स्ट, सो जब सैमुएल साउल से दोचार हुआ तो खुदावंद ने उससे कहा, देख यही वो शख्स है जिसका जिक्र मैंने तुझसे किया था, ये मेरे लोगों पर हुकूमत करेगा। नेक्स्ट, पर फिर साउल ने फाटक पर सैमुएल के नजदीक जाकर उससे कहा, मुझको जरा बता दे गैबीन का घर कहां है, गैबीन यानी नबी का घर कहां है। सैमुएल ने कहा साउल से को जवाब दिया कि मैं गैबीन ही हूं, मेरे आगे आगे ऊंचे मुकाम को जा क्योंकि तेरे आज के दिन मेरे साथ खाना खाओगे और सुबह को मैं तुझे रुखसत करूंगा और जो कुछ तेरे दिल में है सब तुझे बताऊंगा। नेक्स्ट, और तेरे गधे, सुनिएगा, और तेरे गधे जिनको खोए हुए 3 दिन हो गए उनका ख्याल मत कर क्योंकि वो मिल गए हैं, और इसराइलियों में जो कुछ मरगूब खातिर है वो किसके लिए, क्या वो तेरे और तेरे बाप के सिरे घराने के लिए नहीं। हालेलुया, ध्यान से सुनिएगा, आपको नजर आ रहा होगा किस तरह खुदा प्रॉफिट को, उस नबी को जहां कहीं वो गया था उधर से निकाल के लेके आया, इस साउल को जहां ये 5-6 मुल्क घूम रहा था गधे ढूंढ रहा था इसको भी उस जगह लेके आया, और खुदा ने इन दोनों के लिए एक जगह एक टाइम रखा हुआ था। और मैंने आपको क्या बोला कि खुदा ने हम सब के लिए एक शख्स रखा हुआ है, जैसे ही वो शख्स मिलेगा आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, एक नया सीजन आपकी जिंदगी का शुरू हो जाएगा। जो शख्स गधे ढूंढ रहा था, जो शख्स फजूल चीजें ढूंढ रहा था, खुदा ने उस पर नजर करी। मैं एक टाइम पे ऐसे ही था जो मैं गधे ढूंढता था, आप भी ऐसे ही थे जो गधे ढूंढ रहे थे। कभी हम उसको देख रहे थे, यार उसके मेरे घराने ने, वो मेरे रिश्तेदार ने फ्लैट टीवी ले लिया मुझे भी लेना है, उसने फलां गाड़ी ले ली मुझे भी लेनी है, उसने फलां मोबाइल ले लिया मुझे भी लेना है। हम इन चीजों की, जिस चीजों की कोई हकीकत कोई वैल्यू नहीं है, हम उन चीजों की तरफ देख रहे थे, उन चीजों की तरफ दौड़ रहे थे कि ये फलां जगह से कपड़े खरीदती है, ये खरीदता है, ये फलां जगह से पर्स खरीदता है, मुझे भी वैसे ही खरीदना है। हम इन चीजों की तरफ देख रहे थे और खुदा को पता था कि ये लोग गधों के पीछे भाग रहे हैं, और खुदा ने उस जगह से मुझे आपको
हम सबको चुना क्योंकि खुदा ने एक बड़ा प्लान मेरे और आपके लिए रखा हुआ है, और उस प्लान के लिए खुदा ने एक शख्स बीच में रखा हुआ है। वो शख्स आपको जैसे ही मिलेगा, खुदा आपकी जिंदगी में एक बड़ा सीजन खोल देगा। हालेलुया, कितने लोग ईमान रखते हैं। मुकद्दस मरियम के पास कौन सा फरिश्ता जाहिर हुआ? जबराइल फरिश्ता। और उसने बोला, तू खुदा की कुदरत से रूल कुदुस तुझ पे साया 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 डालेगा, और तू खुदा की कुदरत से क्या है हमला होगी, तू खुदा की कुदरत से प्रेग्नेंट होगी। और जब ये सब उसने बोला, और उसने बोला मेरे लिए तेरे हुक्म के मुताबिक हो, ठीक उसके बाद बाइबल बताती है कि मुकद्दस मरियम ने ये बात ना अपने माँ बाप से बोली, ना अपने बहन भाइयों से बोली, उठी और सीधा दूसरे शहर में किधर गई है, किधर गई है? एलिशबा के पास। क्यों एलिशबा के पास गई है? इससे पहले एलिशबा का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन एलिशबा के पास क्यों गई है? क्योंकि उसे अंदर ही पता था कि यही एक लड़की है, यही एक औरत है, क्योंकि जो फरिश्ता मुझ पे जाहिर हुआ है वो 6 महीने पहले उस पे भी जाहिर हुआ है, और ये अंडरस्टैंड कर सकती है, ये मेरा प्रॉब्लम को समझ सकती है। मेरे माँ बाप शायद इस बात पे बिलीव नहीं करें कि ये खुदा की कुदरत से बच्चा पेट में आया, लेकिन ये बिलीव कर सकती है क्योंकि ये मेरे ही जैसे सरकमटेंसेस से गुजरी है। और जैसे ही वो मिले, बाइबल बताता है जैसे ही वो उन दोनों ने एक दूसरे को हक किया है, तो एलिशबा के पेट में जो बच्चा था वो चला। हालेलुया। कोई ना कोई एक ऐसा शख्स है जिसको खुदा ने आपके लिए आपके आगे ठहराया हुआ है, रखा हुआ है। जैसे ही आप उस शख्स से मिलेंगे, मैं आपको फिर तसल्ली के लिए बोल रहा हूं, हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई फेज आते हैं रोने वाले, कोई ना कोई फेज आते हैं परेशानी वाले, कोई ना कोई टाइम आता है जिसमें हम दुखी हो जाते हैं, हम हिम्मत हार रहे होते हैं। प्लीज प्लीज, ये खुदा का कलाम आप सबके लिए इसलिए कि आप इस चीज को ईमान से रिसीव करें। खुदा ने आप सबकी जिंदगी में एक अगला चैप्टर रखा हुआ है। आपकी जिंदगी को खुदा यहां नहीं खत्म करने देगा। आप कैसा चाहते हैं नईम भाई कि आपके बेटे यहां पे आके रुकें, किसी दूसरे मुल्क में जाएं? जैसा आप चाहते हैं वैसा एंड खुदा आपको देगा। आप उस पर ट्रस्ट करें, खुदा आपकी जिंदगी में ऐसा शख्स लेके आएगा, और जैसे ही वो शख्स से मिलेंगे, आपके बच्चे यहां पे होंगे। हालेलुया। ये खुदा का अजीब प्लान है जो खुदा हम सबके लिए करता है, और हमें समझने की जरूरत है। लेकिन ये प्लान कभी भी नहीं कामयाब होगा, ये प्लान खुदा का कभी भी उनके लिए नहीं चलेगा जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। सुनिए, अब बोलेंगे ये क्या बात कर दी पास्टर साहब, बाइबल में लिखा है उसके बाप ने उसे बोला जा गधे ढूंढने जा, और वो निकल गया। जो माँ बाप का हुक्म मानता है उसके लिए स्पेशल खुदा अपना आसमान खोलता है। आप खुदा के प्लान में शामिल ही तब होंगे जब खुदा देखेगा कि मैंने इसके ऊपर जो माँ बाप बिठाए हैं, ये उन माँ बाप की इज्जत कर रहा है, ऑनर कर रहा है नहीं कर रहा है। और जैसे ही खुदा देखेगा, खुदा आपकी जिंदगी को सेलेक्ट कर लेगा, पकड़ लेगा और बोलेगा ये नेक्स्ट भाषा है दुबई का, ये नेक्स्ट भाषा है बहरीन का। हालेलुया। तो ये चीजों को देखते हुए आपको ख्याल रखना है कि खुदा के उस पूरे डिजाइन से आप बाहर ना निकलें। खुदा ने पूरी जो है ना वो क्या बिसात सजा के रखी हुई है, कौन से कहां पे मोहरे हैं सब रखे हुए हैं। आपने किसी चीज को स्पॉइल नहीं करना है, किसी चीज को खराब नहीं करना है। आप अपने उस आदमी से जरूर मिलेंगे। बाइबल बताती है जैसे ही वो नबी से मिला, नबी ने बोला तू गधों के बारे में फिक्र नहीं कर। किसके बारे में? गधे क्या थे? खो गए थे। क्या खोया आपकी जिंदगी में? हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ खोया है। किसी ने जॉब खोई है, किसी ने कोई रिश्ता खोया है, किसी ने अपना खोया है। कोई कितने लोगों ने अपने अपनों को खोया है। हमने रिसेंटली तानिया ने अपनी बहन को खोया है, मैंने अपनी माँ को, हम सब ने जिंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खोया है। क्या चीज खोई है? बाइबल बताती है आगे इसने क्या बोला, तू वो जिन चीजों की तू फिक्र कर रहा है खो गए। बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी से चली जाती हैं। बाइबल बता रही है, उसने बोला है तू उन गधों की फिक्र नहीं कर, वो सब मिल गए। बोले टोटल रिकवरी, टोटल रिकवरी। जो कुछ खुदा ने
आपके लिए रखा है, कुछ उसमें से जाएगा नहीं, सब चीजें खुदा आपको वापस करेगा। और साथ में खुदा क्या बोल रहा है, मैं तेरे को एक ऐसी चीज देने वाला हूं जो तू सोच भी नहीं सकता, तेरे बाप दादा ने नहीं सोची, तेरे फोर फादर ने नहीं सोची, जो मैं प्लान कर रहा हूं। और वो प्लान ये है कि इसराइल का पहला बादशाह तू बने। एक और हवाला देख लें, उसके बाद मैं बंद करता हूं। अच्छा, एक मैं वाकया पर्सनल आपके शेयर करता हूं। सऊदी अरब में जब मैं था तो 3 महीने जॉब ढूंढ रहा था, 3 महीने नहीं, शायद एक ही महीना हुआ था जॉब ढूंढते हुए, जॉब नहीं मिल रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे एक जिस कंपनी से मैं आया इधर, उस कंपनी का मुझे फोन आया और उसने बोला कि रात को 9 बजे आपका इंटरव्यू है, आप रात को 9 बजे इंटरव्यू के लिए आइएगा। तो मैंने कहा रात को 9 बजे कौन इंटरव्यू लेता है, कह रहे हैं मैं रात को 9 बजे इंटरव्यू लेता हूं, लेकिन जब आप आओगे अपने डॉक्यूमेंट लेके आना और 2 references लेके आना, 2 ऐसे लोगों के नाम लेके आना जो आपकी गवाही दे सकें या जो आपके बारे में बोल सकें कि हाँ जी ये वो है। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा मेरा भाई, एक तो ये एक भाई हो गया, भाई भी ऐसा कोई रेफरेंस भाई के अलावा था नहीं जो मैं दे सकता कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो कोई हाई किस्म का बंदा हो जिसका रेफरेंस दिया जाए। तो भाई के पास शायद कोई उस टाइम पे ऐसा अवेलेबल नहीं था, लेकिन खुदा ने एक मेरे अंकल को ऑर्डेन किया था। पूरी लाइफ में सुने, पूरी लाइफ में पहली दफा उस अंकल से मिला हूं। और उस दिन वो अंकल 6 बजे मेरे भाई के घर में थे, 6 बजे। खुदा देखे किस तरह से कोई ना कोई बंदा कनेक्ट करता है। तो वो अंकल आए, वहां पे बड़ी पोजीशन पे थे, उनका नाम नेल्सन है। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा अंकल मैं 2 घंटे के बाद इंटरव्यू के लिए आ रहा हूँ। उन्होंने बोला रेफरेंस लेके आना, मैं आपका नाम लिख दूँ। कहने लगे हाँ मेरा नाम लिख दो। उन्होंने अपना नाम लिखा, नंबर लिखा, मैं चला गया इंटरव्यू के लिए। जो बैठा हुआ था उसने मेरे डॉक्यूमेंट एक साइड पे रखे, CV एक साइड पे रखा, सबसे आखिरी पेज देखा और रेफरेंस पहले देखा। मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूँ, एक लफ्ज भी मैं इस वक्त झूठ नहीं बोल रहा, जितना हुआ है एग्जैक्टली ऐसा मेरी जिंदगी में हुआ है। रेफरेंस को उन्होंने देखा और बोला ये नेल्सन कौन है? मैंने कहा जी ये मेरे अंकल हैं। कह रहे हैं ये तो मेरा पड़ोसी है, बड़ा मेरा ग्राही है, ये तो दोस्त है, कल से आ जाओ, कल से आ जाओ। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा कोई ना कोई रखा एक शख्स जिससे मिलते ही आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। उस शख्स का वेट करें, दौड़ने की जरूरत नहीं है, खुदा खुद लेके आएगा। उसको ढूंढने के लिए खुदा रहा आप उसे फेसबुक पे कहीं और तलाश ना करें, वो खुद ब खुद खुदा आपके सामने राइट टाइम पे आएगा। और जैसे ही वो आएगा आप देखिएगा आपके सामने खुदा बड़ी चीजों को खोल देगा। एक हवाला देख लें आगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सॉरी 22वीं ऐसे पढ़िएगा, और सैमुअल ने साउल और उसके नौकर को मेहमान खाने में लाया और उनको, सुनिएगा, और उनको मेहमानों के दरमियान जो 30 आदमी थे सदर जगह पर बिठाया। कहां पे बिठाया? सीट ऑफ ऑनर, इसे इंग्लिश में कहते हैं सीट ऑफ ऑनर, जो चीफ गेस्ट की सीट होती है ना, वहां पे बिठाया। और नेक्स्ट क्या किया? और सैमुअल ने बावर्ची से कहा कि वो टुकड़ा जो मैंने तुझे दिया था, जिसके बारे में तुझसे कहा था, इसे अपने पास रख, छोड़ना, ले आ। ये टुकड़ा जो है ना, ये गोश्त का टुकड़ा है, ये रान है एक्चुअली, उर्दू में लिखी, उर्दू में बावर्ची ने वो रान लिख, देखो बावर्ची ने वो रान मुआ उसके जो उसके उस पर था उठाकर साउल के सामने रख दी। सुनिए खुदा क्या बोल रहा है, जब आप खुदा के प्लान में शामिल होंगे, जब खुदा आपको ऑर्डेन करेगा, खुदा आपको बैक सीट पे नहीं बिठाएगा, खुदा आपको फ्रंट सीट पे लेके आएगा। सबके सामने खुदा आपको ऑनर देगा, सबके सामने खुदा आपको बताएगा, दुनिया को बताएगा ये जो सीट है ये सीट ऑफ ऑनर है। हालेलुया, खुदा ये ब्लेसिंग आपको देना चाहता है। और बाइबल बताती है कोई कुछ दिन पहले जब ये शहर से बाहर निकला था तो उसने
एक रान का पीस जो था वो अपने बावर्ची को बोला था रखे, क्योंकि खुदा ने बोला था ये रान का जो पीस है ये किसी एक बंदे के लिए मैंने स्पेशल रखा है, इसे तुमने पका के खाना नहीं है, वो जब आएगा उसी को तुमने देना है। प्रेज द लॉर्ड। जो आपके लिए रखा है कोई माई का लाल आपकी जिंदगी से ले नहीं सकता, जो ब्लेसिंग आपकी है कोई नहीं ले सकता। दाऊद को जब अनॉइंट करने का टाइम था, दाऊद को जब मसा करने का टाइम था, उसका बाप भी नहीं जानता था, उसके घर में एक बादशाह बैठा हुआ है, उसने सैमुअल ने बोला तेरे घर में एक बादशाह है, मैं उसको मसा करना चाहता हूं। दाऊद के बाप ने 7 बेटे उसके आगे खड़े कर दिए, और जैसे जैसे वो उसके ऊपर तेल लगाने की कोशिश करता, खुदा बोलता ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 7 के 7 जो इंसानी तौर पर लगता था कि इस काबिल हैं कि वो बादशाह बन सकते हैं, उनको खुदा ने रिजेक्ट किया। तो सैमुअल ने बोला तेरे घर में कोई और भी है, उसने बोला एक और बेटा है जो बकरियां चरा रहा है, उसने बोला उसको बुला के ला, और जब तक वो नहीं आएगा हम लोग सब खड़े रहेंगे। क्या बोल रहा है खुदा? जो आपकी ब्लेसिंग है, आपके आगे 7 लोग भी खड़े होंगे ना, वो ब्लेसिंग कोई नहीं ले सकता। खुदा ने हर एक खाने के ऊपर आपका नाम लिखा हुआ है, हर एक सीट के ऊपर खुदा ने आपका नाम लिखा हुआ है, हर एक ब्लेसिंग जो खुदा ने आपके लिए रखी है कोई उसको नहीं ले सकता, क्योंकि खुदा ने आपको चुना हुआ है। 5 नस्लों में से खुदा ने आपको चुना है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो शायद किसी और धर्म से ताल्लुक रखते हो, लेकिन खुदा ने आपको चुना है, और खुदा ने अगर चुना है आपको तो खुदा आपको एक्सपेक्टेड एंड देना चाहता है। जैसा आप चाहते हो खुदा वैसा देना चाहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि खुदा आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर लेके आने वाला है। हमारे दरमियान एक बिल्कुल नया नवेला दूल्हा दुल्हन आए हुए, मैं अभी नहीं बुला रहा उनको, लेकिन वो नया नवेला दुल्हन कैसे कैसे जिंदगी का आगाज किया, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिले, और जैसे ही ये एक दूसरे के साथ मिले हैं एक नया सीजन इनकी जिंदगी में स्टार्ट हुआ। खुदा इसी तरह काम करता है। एक आखिरी हवाला दे दें, मैं दुआ करता हूं आप सबके लिए। अगले बाप पे जाइएगा, खत्म हो गया, इसको मसा कर दिया। 10वें बाप पे, 1 chapter 10, 1 Samuel chapter 10, 1 to 8 तक पढ़ेंगे, और आप देखिए खुदा ने कैसे कैसे लोगों को आगे रखा हुआ है। इसके बाद हम दुआ करते हैं। फिर सैमुअल ने तेल की कुप्पी ली और उसके सर पर उंडेली और उसे चूमा और कहा, क्या यही बात नहीं कि खुदावंद ने तुझे मसा किया ताकि तू उसकी मिराज का पेशवा हो? नेक्स्ट, जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो जुला में, अब सुने ध्यान से किस तरह खुदा ने लोग आगे मुकर्रर किए हुए हैं, जब तू आज मेरे पास से चला जाएगा तो जुला में जो बेनियामिन की सरहद में है राखेल की घोर के पास वो शख्स तुझे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि खुदा ने ऑलरेडी आगे रखे हुए वो शख्स जो तुझे मिलेंगे, और वो तुझसे कहेंगे कि वो गधे जिनको तू ढूंढने गया था मिल गए, देख अब तेरे बाप के गधों की तरफ से बेफिक्र हो कि तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूं, और कहता है कि मैं अपने बेटे के लिए क्या करूं। नेक्स्ट, फिर वहां से आगे बढ़कर, यानी ये लोग जब मिलेंगे उसके बाद आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलूत की तरफ पास पहुंचेगा, वहां जमीन शख्स जो बैतेल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। वहां इधर सही नहीं लिखा हुआ, मैं बाइबल में से पढ़ रहा हूं, आप इधर भी देखते रहिएगा। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू तबूर के बलूत के पास पहुंचेगा तो वहां 3 शख्स, जमीन शख्स नहीं है, 3 शख्स जो बैतेल को खुदा के पास जाते होंगे तुझे मिलेंगे। एक तू बकरी के 3 बच्चे और दूसरा रोटी के 3 गुर्दे और तीसरा मैं का एक मशकीजा लिया हुआ होगा। खुदा पूरी तरह से प्लान करा हुआ है कौन कौन से लोग इस शख्स को मिलेंगे और उसकी निशानियां कहां हैं, किस लोकेशन पे किस जगह मिलेंगे, वो लोग क्या अपने हाथ में उठाया होगा, हर एक चीज खुदा ने बताई हुई है। नेक्स्ट verse 4, और वो तुझे सलाम करेंगे और रोटी के 2 गुर्दे तुझको देंगे, तू उनको उनके हाथ से ले लेना, और बाद में उसको तू खुदा के पहाड़ को पहुंचेगा जहां फलस्तीनियों की चौकी है। जब तू वहां शहर में दाखिल होगा
तो नबियों की एक जमात जो ऊंचे मुकाम से उतरती होगी तुझे मिलेगी, और उनके आगे सितार और दफ और बासली बरबत बजर बरबत होंगे, वो नबुवत करते हुए होंगे। सुने ध्यान से, सारी चीजें ऑलरेडी खुदा ने एडवांस में प्लेस करके रखी हैं। तब खुदा की रूह तुझ पर जोर से नाजिल होगी और तू उनके साथ नबुवत करने लगेगा और बदल कर और आदमी हो जाएगा। इसका मतलब है जो तेरी करंट पोजीशन है, तेरी जो करंट इस वक्त जो तेरी सिचुएशन है, तू बदल जाएगा और एक नई चीज हो जाएगा। और तू मुझसे बेशतर जलजाल को जाना, और देख मैं तेरे पास आऊंगा ताकि सोखती कुर्बानी करूं और सलामती के जबियों को जबा करूं। तू 7 दिन तक वहीं रहना, जब तक तेरे पास आकर तुझे बताना दूं तुझे क्या करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार तालियां खुदा के। कितने लोग ईमान रखते हैं कि आपकी जिंदगी का एक चैप्टर खुदा ने आगे रखा हुआ है? खुदा ने एक शख्स भी आगे रखा है, वो उसे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, खुदा ने आपके सामने रखा हुआ, आगे रखा हुआ, और इसी तरह खुदा काम करेगा आपकी जिंदगी में। हालेलुया। आज बड़ा खूबसूरत दिन है और मैं चाहता हूं कि आप सब अपनी जगहों पे खड़े होके, हमारे दरमियान नया नवेला शादीशुदा जोड़ा आया है, मैं उनको बोलूंगा मिस्टर ब्रदर दानिश और उनकी मिसेस सामने आए, हम उनको वेलकम करेंगे इस चर्च में। प्लीज कम फॉरवर्ड।